गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमारे नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी कल गाड़ी आपने देखा था लोड नहीं हो पाई थी, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए हमारी गाड़ी लोड नहीं हो पाई थी। और अब लेबर आ रही है, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 8-9 बज रहे हैं, तो हम अभी सो के उठे हैं। तो लेबर आ गई है, बस तैयारी कर रही है लोडिंग की, और गाड़ी दूसरी जगह लगेगी, तो जहाँ पे उनकी गोदाम है वहाँ पे लोड होगी। चलो दोस्तों, देखते हैं। इतनी हाइट है दोस्तों। दोस्तों, गाड़ी लोड हो चुकी है और हम निकल भी आए हैं। जो ये बदायूं से रोड गया है अपना अलीगढ़ वाला, बुलंदशहर होते हुए उसी रोड पे चल रहे हैं। तो हाइट ज़्यादा है क्योंकि रोड भी बढ़िया है, तो इसलिए इसी रोड पे ज़्यादा खर्चा कम है, टोल वगैरह कम है। तो निकल लिए यहाँ से और पहुँचेंगे हरियाणा टोहाना के लिए, रात में पहुँच जाएंगे। दोस्तों, रोड भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जाने में। यह लोगों पहुंच चुके हैं गुन्नौर, और कितनी गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं। हमने भी खड़ी कर ली अपनी गाड़ी। यहां ये चौराहा है आगे, यहां पर बहुत गाड़ियां खड़ी होती हैं। देखो हाइट कितनी है हमारी गाड़ी की, हमारी गाड़ी की हाइट कितनी है, 4 बोरी ऊँची है, बहुत ऊंची है भाई, इसलिए आराम आराम चल रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं, तो हमने भी खड़ी कर ली। टायर आयर देखते हैं यहाँ पे। इधर गुन्नौर, बबराला, मुरादाबाद के लिए जाता है रोड। भैया लोगों, गाड़ी खड़ी कर दी है, अब हम खाने जा रहे हैं खाना। ये देखो अचार और ये सलाद। पंडित जी सामने बैठ चुके हैं और आर्डर दे दिया है, बस प्लेट अभी खाली है, अभी भर जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि आर्डर दे दिया है, आ रहा है बन के। थोड़ा टाइम लगता है 10-5 मिनट का, और रोड पे ही गाड़ी खड़ी हुई है। होटल ये है, आ गई भैया दाल अपनी, ये देखिए अरहर की दाल और रोटी, बस खाने जा रहे हैं। पंडित जी ने शुरू कर दी खाना, अब हम भी खाएंगे। दोस्तों आइए, आप लोग भी खा लीजिएगा सब लोग, क्योंकि अरहर की दाल ही वेस्ट होती है होटल पर। आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएं भैया लोगों, कौन कौन दाल खाया है होटल की, वो भी अरहर की दाल। जाने दो जाने दो जाने दो, ये देखो गोल चक्कर है भैया बुलंदशहर वाला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर से आए हैं क्योंकि नो एंट्री खुल चुकी है, तो इसलिए अंदर से ही निकल लिए भैया। ये पूरा गोल चक्कर घुमा के हापुड़ वाले रोड पे पहुंचेंगे। वो सामने हापुड़ वाला रोड दिख रहा है, ये उधर जाएगा, इधर इस वाले पे चल ले, सीधे वाले पे। हाँ, इसी पे चलना है भैया, गोल चक्कर घूम लिए हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम 11 बज चुके हैं, इसलिए। दोस्तों हम आ गए हैं बुलंदशहर, और चौराहे पर पार कर रहे हैं बुलंदशहर भैया, और पहुंचेंगे। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग अब होता है समाप्त आज का। कल हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मौज करो भाई लोगों।